सो हे गाइस, पॉइंट न्यूज़ के एपिसोड 23 में आपका बहुत स्वागत है। एंड क्योंकि ये लास्ट मिनट प्लान वीडियो है तो हम अपडेट्स हैं, लेकिन तुम लोगों को मजा आ जाए इतने अपडेट्स तो जुटा ही लिए हैं। एंड सबसे ज्यादा तो हिंदी डब्स के बारे में है, तो वीडियो एंड तक देखना। देख रहे हैं, सबसे पहले तो फ्लैश के एक्टर एज़रा मिलर अरेस्ट हो गए और किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यार, शराब पी के हवाई में गाली गलौज धक्का मुक्की के केस में भाई साहब जेल गए। ऐसा होता तो इंडिया में तो आधा इंडिया ही जेल में होना था। तो भैया, अप्रैल 8 से द किंग्समैन 2022 फाइनली हिंदी और इंग्लिश में स्ट्रीम होने जा रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। जो दुनिया जहां के डिज्नी प्लस पर ये मूवी फरवरी में ही रिलीज हो गई थी अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे, पर अपने वाले डिज्नी प्लस का गांजा अभी उतरा। और इसी के साथ साथ डेथ ऑन द नाइल इंग्लिश और हिंदी में डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम करेगी। चलो ये जल्दी करते हैं, वरना मुझे तो लगा था ये सितंबर में रिलीज देंगे। नाइटमेयर एली अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर रही है। और कोरियन ड्रामा में से लव ओ टू ओ एमएक्स प्लेयर पर अब हिंदी लैंग्वेज में स्ट्रीम कर रहा है, स्टार्टिंग के 15 एपिसोड्स, जाके देख लो। अब भैया, हमारे फेवरेट एक्टर पैट्रिक विल्सन सर्जी की मूनफॉल जो बॉक्स ऑफिस पे फेल और फॉल दोनों हो गई, मतलब 150 मिलियन डॉलर की मूवी थी और मूवी ने 50 मिलियन डॉलर्स रफली कमाई की है, तो 100 मिलियन डॉलर के घाटे पे है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में इस मूवी को वीडियो ऑन डिमांड पे रिलीज कर दिया गया है एंड ये अभी HD में अवेलेबल है। इंडिया में ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जल्दी हो जाएगी। और तुमने कौन सा खरीद के देखनी है? और 2017 और 19 की आई इट, उसका एक प्रीक्वल अब रिलीज होने जा रहा है एज HBO मैक्स ओरिजिनल सीरीज, जहां पर अपने जोकर पेनीवाइज की ओरिजिन स्टोरी के बारे में बातचीत होगी, मतलब उसकी स्टोरी दिखाई जाएगी। और स्पेंसर मूवी अब इंग्लिश और हिंदी में स्ट्रीम कर रही है Amazon प्राइम वीडियो पे। मैंने मूवी की डबिंग चेक की एंड सरप्राइजिंगली मूवी की डबिंग काफी अच्छी है। आप जाके इसको हिंदी में देख सकते हो अगर आपने अभी तक मूवी नहीं देखी है। क्रिस्टन स्टूअर्ट ने लाजवाब काम किया है, ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई। और वेस्ट साइड स्टोरी की फेम रेचल ज़ेगलर एप्पल टीवी प्लस की आने वाली एनिमेटेड फिल्म में मेन लीड पर कास्ट हो गई है। यार, ये स्पेलबाउंड मूवी में प्रिंस सेलिया का रोल प्ले करेगी। एंड आखिर में सबसे बड़ा और सबसे मेजर, क्रिस इवांस और स्कारलेट जोहानसन का गठन होने वाला है एक नई मूवी के लिए। तो प्रोजेक्ट आर्टेमिस ये एप्पल टीवी प्लस की 100 मिलियन डॉलर के बड़े बजट वाली एक मूवी होगी, जिसको जेसन बेटमैन डायरेक्ट करेंगे। एंड भाई साहब, आने वाली है मजा। स्कारलेट जोहानसन को देख के तो मतलब ऐसे ही दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। एंड यार, जाते जाते अपनी अप्रैल की एंटरटेनमेंट गाइड देख लो। ये आपके मंथली बिंज वॉचिंग की गाइड होती है, जो हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया के इंस्टाग्राम फेसबुक पेज पर हर महीने अपलोड की जाती है मंथ के स्टार्टिंग में। ये इस सीरीज का 5th एडिशन है, ताकि आप अपना बिंज मंथ प्लान कर पाओ। यार, तो भैया पॉइंट न्यूज आए ना आए, लेकिन हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर इंडिया का पेज चलता रहेगा, जाके फॉलो मार लो, मजा ही आ जाएगा तुम लोगों को।